हरे कृष्णा। तो कार्तिक महीना जो है बहुत महत्वपूर्ण है। कार्तिक महीना के समान कोई महीना नहीं है, ऐसे पुराणों में कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा जाता है कि कार्तिक महीने में कोई अगर एक दीपक कृष्ण के सामने जलाते हैं, दीपदान करते हैं, तो उसका करोड़ों जन्मों का पाप तुरंत ही नष्ट हो जाता है। तो इसलिए हमें रोज़ कार्तिक महीने में दीपदान करना चाहिए। कार्तिक महीने में कोई भी कार्य करने का 1000 गुना फल है। जैसे आपने एक बार हरी हरी बोला तो भी हरी 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 1000 गुना फल आपको लाभ हो गया। एक बार कृष्ण की पत्नी सत्यभामा कृष्ण से पूछती है कि मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे आपके पत्नी रूप में जन्म लेने का सौभाग्य मिला। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप पूर्व जन्म में कार्तिक महीने में दीपदान करती थी, तुलसी देवी की सेवा करती थी, तुलसी के पास भी दीपक जलाती थी, तो इस तरह से आपको मेरा पत्नी बनने का सौभाग्य मिला। तो आप सोचिए कि अगर हम कार्तिक में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में दीपदान करेंगे तो निश्चित रूप से हमें भगवत धाम प्राप्त होगा। एक और कथा आती है, काशी राजा की पत्नी, कई सारे रानियाँ थी, तो एक रानी थोड़ा अलग अलग सी थी, वो कृष्ण भक्त थी, तो कार्तिक में वो स्पेशल कार्य करती थी, जैसे कि दीपदान करना और भगवान के लिए स्पेशल व्यंजन बनाना, मतलब भगवान को बहुत रिझाने के बहुत कार्य करती थी। तो बाकी रानियों ने कहा कि इस महीने में ऐसा क्या है जो तुम इतना आयोजन कर रही हो, तो वो कहती है कि मुझे अभी तक पूर्व जन्म याद है। पूर्व जन्म में एक चूहा हुआ करती थी द्रविड़ देश की एक प्रख्यात विष्णु टेम्पल में, द्रविड़ देश मतलब साउथ इंडिया। तो दीप जलने के बाद जो दीप बत्ती में जो घी लगा हुआ होता था वो मैं खाती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ, दीप बुझने ही वाला था और मैं खाने के लिए गई तो दीप का जो बत्ती था वो मेरे मुंह से आगे हो गया, तो दीपक और जल गया। और उतने में ही कोई आया मंदिर के दर्शनार्थी, तो मैं भाग गई। और इसी पुण्य के कारण मुझे सीधा चूहा से कोई मनुष्य जन्म नहीं मिलता है। 84 लाख योनियों में एक क्रम है, जैसे पहले पानी में 9 लाख जीव होते हैं, फिर स्थल में वो अलग अलग ट्रीज बनते हैं, फिर कीड़े मकोड़े बनते हैं, तो इस तरह से बर्ड जंतु ऐसे बनते हैं। तो कोई सीधा चूहा से नहीं मनुष्य बनता, लेकिन उन्होंने कहा है कि मुझे सीधा मनुष्य योनि मिला, वो भी राजा की पुत्री के रूप में, राजा की पत्नी में बनी। राजा की पुत्री थी राजकुमारी, तभी राजा की पत्नी बन पाई, महारानी बन पाई। तो इसीलिए जो है, जब इतना छोटा सा एक करने से मेरे को इतना लाभ मिला, तो क्यों ना मैं भगवत धाम जाने की तैयारी करूँ। तो इस तरह से कार्तिक महीने में अनजाने में करने पर भी बहुत बड़ा लाभ होता है। तो प्रैक्टिकली हम क्या कर सकते हैं कार्तिक महीने में, वो हमें करना चाहिए। जैसे कि प्रैक्टिकली हम एक दीपक तो रोज जला सकते हैं, दामोदर अष्टकम गा सकते हैं। दामोदर अष्टकम इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, आजकल यूट्यूब है और गूगल है, सर्च करने से ही हमें मिल जाता है सब कुछ। दामोदर लीला हुआ था इस महीने में और इसलिए दामोदर अष्टकम गाना कंपल्सरी है, भगवान की क्योंकि बहुत प्रिय है। और भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया के साथ अनेक लीलाओं में से ये दामोदर लीला बहुत ही रोचक है, आस्वादनीय है। कृष्ण एक बार यशोदा मैया उनको दूध पिलाती रहती है, तो कृष्ण बार बार यशोदा मैया के साथ खेलते, थोड़ा दूध पीते, फिर मैया का मुंह देखते, फिर दूध पीते, फिर मुंह देखते, तो मैया भी आनंद ले रही थी। तो कृष्ण मैया को आनंद प्रदान कर रहे थे भगवान स्वयं, लेकिन इतने में यशोदा मैया को याद आया कि मैं तो चूल्हे में दूध उबालने के लिए रख के आई हूँ, तो कृष्ण को नीचे रखा और तुरंत भाग कर गए। जैसे आपको भी याद आया कि दूध रख के आए गैस पे तो तुरंत भागेंगे ना, ऐसा ही रिएक्शन हुआ। तो कृष्ण को बहुत गुस्सा आया कि मैया के साथ मैं खेल रहा था और मैया का इंपॉर्टेंस दूध के लिए ज़्यादा है और मेरे लिए कम है, ऐसा कृष्ण नाराज हो गए थोड़ा। तो क्या क्या, जितने भी मैया ने मक्खन निकाला था, मक्खन निकालने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है और मैया बहुत ज़्यादा मेहनत करके निकालती, सारा मक्खन जो है ऐसे तोड़ दिया नीचे से, एक तो बहुत बड़ा मटकी था, तोड़ दिया और बंदरों को और कौवे को खिलाने लगे। और उखल में ऐसे बैठे कि जिस तरह से मैया आएंगे उस तरह से पीठ, और ताकि जैसे ही कौवा उड़ जाए तो समझ जाएंगे कि मैया आ रही है पीछे से, तो ऐसे घूम के भागना ना पड़े, तुरंत कूदेंगे और भाग जाएंगे। इस पोजिशन में बैठ गए कृष्णा।
मैया ने देखा, पहले तो लगा बंदर ने किया क्या, लेकिन बाद में समझ आया कि बंदर का काम नहीं है, ये कृष्ण का काम है। बंदर ऊपर से बिखेर देगा तो कृष्ण का काम है। तो मैया कृष्ण के पीछे जाती है। तो आप सबको मालूम है कि मैया जो है कृष्ण के पीछे जा जा के थक जाती है बहुत। तो बाद में कृष्णा मैया के बंधन में आ जाते हैं और उसी को बोलते दामोदर लीला। दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब कृष्ण के पेट में बांध देते हैं। मैया की भगवान बहुत बदमाशी कर रहे थे तो मैया पनिशमेंट दे रही थी। तो उसी समय जो है दो अर्जुन के वृक्ष होते हैं, उनका उद्धार भी भगवान करते हैं, जो एक्चुअली कुबेर के पुत्र होते हैं। तो ये जो सुंदर लीलाएं हैं ये कार्तिक महीने में हुआ है, और इसलिए हमें दामोदर अष्टकम जरूर गाना चाहिए इस महीने में। तो ये प्रैक्टिकल है कि हम क्या कर सकते हैं, दामोदर अष्टकम गा के दीपदान कर सकते हैं। वन दूसरा प्रैक्टिकल चीज़ हम कर सकते हैं, तुलसी सेवा, तुलसी को जल देना, तुलसी की परिक्रमा। हालांकि प्रभुपाद जी ने लाइफस्टाइल ऐसा कर दिया, प्रभुपाद जो भी इस्कॉन में है, सब लोग रोज ही तुलसी आरती, तुलसी सेवा, तुलसी को जल देना, तुलसी पत्र कृष्ण को चढ़ाना करते हैं। लेकिन जो नहीं करते हैं उनके लिए एक चांस है कि वो कम से कम कार्तिक महीना करें, जैसे आरती नहीं करते तो आरती करें, तुलसी पत्र कृष्ण के चरणों में चढ़ाए, तुलसी की परिक्रमा रोज करें, तुलसी को जल दे, तुलसी को प्रणाम करें, दर्शन करें। तो इस तरह से ये हम कर सकते हैं, बहुत प्रैक्टिकल है। तीसरा है हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं। जो लोग 16 माला करते हैं वो थोड़ा जप बढ़ा सकते हैं कि कार्तिक के महीना सिर्फ 1 महीने के लिए एटलीस्ट मैं इतना जप एक्स्ट्रा करूँ, क्योंकि कार्तिक महीने का बहुत महत्व है। जो भी वाव हम लेते हैं, प्रतिज्ञा हम करते हैं, उसका बहुत ही बड़ा लाभ होता है। भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम ऐसे ऑस्टोरिटी करते हैं कुछ भी। और बहुत लोग हैं जो एक टाइम खाते हैं तो उनको बहुत जैसे कि मेटेरियल लाभ भी होता है, लेकिन कलयुग के लोगों का शरीर ही ऐसा है, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। तो एटलीस्ट ये सब हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं, जप करना, तुलसी सेवा करना और दीपदान करना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है दामोदर अष्टकम गा के। और अगर हो सके धाम हमारे आसपास है तो भगवान का कोई भी धाम है, जैसे मायापुर धाम है, वृंदावन धाम है, या जगन्नाथपुरी है, जो उड़ीसा में वो जगन्नाथपुरी जा सकते हैं, बंगाल में मायापुर धाम जा सकते हैं, यहाँ पे है आसपास दिल्ली में तो वृंदावन आ सकते हैं। तो जो भी ऐसे धाम है वहाँ पे जाने का प्रयत्न करना चाहिए कार्तिक में, दर्शन करने के लिए भगवान का। तो ये कर सकते हैं। और साथ ही साथ बहुत प्रैक्टिकल जो है वो भगवद गीता, पुराणों में कहा गया है कि भगवद गीता पढ़ने का इस महीने में, भागवतम श्रवण करने का बहुत महत्व है। तो भागवत गीता सुने, पढ़े, भागवतम श्रवण करे, पढ़े। तो इस तरह से जो है हमें कुछ ना कुछ वाव लेना चाहिए, प्रतिज्ञा। और बहुत लोग हैं जो एकादशी पालन नहीं भी करते हैं, लेकिन कार्तिक का 2 एकादशी बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, पालन करना चाहिए। और एकादशी के दिन कुछ विशेष करने का प्रयत्न करना चाहिए। और भगवान के जैसे अमावस्या है, अमावस्या के दिन दीपावली होगा, तो कृष्ण के लिए विशेष व्यंजन बनाना, विशेष स्वीट बनाना, मिठाई बनाना। तो हम इस तरह से कुछ विशेष कर सकते हैं, और इस तरह से निश्चित रूप से हमारा कार्तिक व्रत सफल होता है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कार्तिक महीने की बहुत बहुत बधाई। हरे कृष्णा।